नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, अक्सर आप लोग हरी भिंडी की सब्जी खाते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा लाल भिंडी के बारे में। लाल भिंडी का जो बीज है उसे ICAR के जो वैज्ञानिक है, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र बनारस के, उन्होंने ईजाद किया है। और इस बीज के अंदर कुछ खास बातें भी है। और दूसरी चीज, लाल भिंडी अभी मार्केट में नहीं है, बहुत कम किसान इसके बारे में जानते हैं, इस वजह से इसके रेट भी ज्यादा हैं। और दूसरा इसमें खास बात यह है कि रेशा बहुत कम बनता है, इस वजह से इसकी सब्जी बनाना भी बहुत आसान है। लाल भिंडी जो है मार्केट में नहीं है, तो इसे लोग बहुत चाह भी रहे हैं और इसकी बाजार में अच्छी खासी मांग भी है। तो आज हम बात करेंगे लाल भिंडी की खेती के बारे में। जो इसका बीज है उसका नाम है VROR 157, जिसे काशी लालिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बनारस को ही काशी कहा जाता है और बनारस का जो इनका अनुसंधान संस्थान है उसी में इसके बीज को जो है तैयार किया गया है। इसके बीज में कुछ खास बातें भी हैं, जैसे इसके अंदर OLCV एक वायरस होता है जिसे कहते हैं ओकरा लीफ कर्ल वायरस। वाइट फ्लाई का अटैक बढ़ने के बाद जो पत्ते हैं वो मुड़ जाते हैं, तो वो वायरस इस भिंडी के बीज के अंदर नहीं आता, लाल भिंडी के अंदर। तो किसानों को एक तो ये फायदा है कि इसे कर्ल वायरस की जो दिक्कत होती है वो नहीं होगा। दूसरा, YVMV यानी येलो वेन मस्किट वायरस जो है वो भी इसके अंदर नहीं आता। येलो वेन वाला क्या होता है, उसके अंदर जो बीज के पत्ते की धारियां पीली पड़नी शुरू हो जाती, तो ये दो दिक्कतें जो भिंडी के अंदर आम खास फसल में देखी जाती है वो इस लाल भिंडी के बीज में नहीं आती। दूसरा, मार्केट में नहीं है तो रेट अच्छे मिलते हैं। बाकी इसकी जब खेती आप करते हैं तो आपको दो चीज़ों का अलग से ध्यान रखना होता है, बाकी सेम दूसरी भिंडी की खेती होती है वैसे ही होती है। दो चीज़ें क्या है, एक तो अगर आप लोग मार्च के अंदर, फरवरी के अंदर, अप्रैल के अंदर आप इसे लगा रहे हैं, तो आपको इसका बीज जो है 4.5 से 5 किलो पर एकड़ का रखना होगा। अगर आप इसे बरसात के सीजन में लगा रहे हैं तो 3.5 से 4 किलो बीज जो है वो पर एकड़ का रखना होगा। यानी कि जो सामान्य भिंडी की खेती होती है उससे बीज का जो रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है। तो आप लोग अगर लाल भिंडी की खेती करना चाहें तो जो बनारस की भिंडी है काशी लालिमा के नाम से आती है, VROR 157, आप उसे खरीद सकते हैं और अपने खेत में लगा सकते हैं। जब भी कोई किसान लगाए तो मेरी सलाह यही रहेगी कि ट्रायल के तौर पर आप लगाएं, आपकी मार्केट में अगर उसकी अच्छी डिमांड रहती है तो फिर आप उसे और ज़्यादा लगा लें। बाकी भिंडी की खेती कैसे होती है या फिर इसकी खेती आप जब करें तो कैसे करें, उसके अंदर क्या चीज़ डालनी है, क्या नहीं डालना, कौन से स्टेप को फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें जानने के लिए आप भिंडी की वैज्ञानिक खेती वाली ये वीडियो जो है इसको ज़रूर देखें, आपको इससे फ़ायदा होगा। खैर, आपको और भी कई वीडियो दिखाई दे रही होंगी, उनको भी देखिए। देखते रहिए ABC इंडिया।